देखिए बहुत आश्चर्यजनक, विडंबनापूर्ण और हास्यास्पद बात है कि भाई एक बार कोर्ट का निर्णय हो गया, उन जजेस का वक्तव्य है, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं, बदल गए जज, आज सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं। तो भाई देखिए, माना कि समझाया उसको जा सकता ना जो समझना चाहे, जगाया उसे जा सकता जो सो रहा हो, पर जो जग रहा हो और सोने का नाटक कर रहा हो उसे कैसे जगाया जा सकता है, जो समझ के ना समझ रहा हो उसे कैसे समझाया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी के देखिए अभी खान साहब के बयान में एक स्वतः विरोधाभास दिखा। एक तरफ उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रपति के पास गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस इस विषय पे कांग्रेस ने की, फिर जी कांग्रेस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तहसीन पूनावाला के साथ संबंध के व्यक्तिगत आस्पेक्ट के ऊपर मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता, वो कांग्रेस के समर्थक के रूप में टीवी चैनल्स में भी आते हैं, इनके प्रथम परिवार से भी संबंध माना जाता है, चलिए उसको आप डिनाई करना चाहें डिनाई करें, मगर ये तो आप मानिए ना कि आप ऑफिशियली इस मुद्दे को लेकर चल रहे थे, और जब कोर्ट का डिसीजन एडवर्स आ जाता है तो आप कहते हैं जी हमसे कोई मतलब नहीं है। और ये पहली बार थोड़ी है, अनेक मौकों के ऊपर हमारी नहीं आपकी सरकार के दौरान श्री अमित शाह और श्री नरेंद्र मोदी को लांछित करने के लिए क्या क्या नहीं किए आपने, मगर उसके बावजूद एक भी चीज नहीं सत्य सिद्ध हुई, पर आज तक आप उसी बात पे कायम हैं जो हर चीज न्यायालयों में गलत सिद्ध हो चुकी है मगर उस पर कायम, और ये आपकी फितरत है भाई आज की। क्यों राहुल गांधी जी महात्मा गांधी की हत्या के विषय में कोर्ट में केस फेस कर रहे हैं, कुछ साबित नहीं कर पाए, 70 साल पुराना गड़े मुर्दे उखाड़ के फिर फेस कर रहे हैं, क्योंकि आप मानने को तैयार ही नहीं है सत्य को, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। यह आपका दृष्टि दोष है और आपकी अपनी व्यक्तिगत समस्या है।